बेटा आज हमने करना है मदर्स पेडिग्री। एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? सबको मैं ऑडिबल हूं? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस यस ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा पेडिग्री। अब हम देखते हैं कि ये पेरेंट्स है, उनकी डॉटर डिजीज है, फिर एक लड़का नॉर्मल है, वन इज डिजीज एंड वन मोर बॉय नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल पर्सन, उनकी शादी हुई और दोनों बच्चे जो है वो नॉर्मल है। हियर ऑल्सो इट्स नॉर्मल। ये डिजीज है, ये लड़का भी डिजीज। इनके जो बच्चे हुए हैं दैट इज ये डॉक्टर जो है वो डिजीज है और ये नॉर्मल। ठीक है, तो आप इस पेडिग्री से कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली बात तो ये मुझे बताइए कि ये ऑटोसोमल है कि ये सेक्स लिंक। यहाँ पे देखो हम क्या बता रहे हैं, अगेन सी दिस, कि ये पेरेंट्स है, ये ऑफस्प्रिंग्स है और आप देख रहे हो कि तकरीबन मेल एंड फीमेल बोथ आर अफेक्टेड। ऐसा नहीं हम कह सकते कि फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड, मेल्स आर मोर अफेक्टेड, नहीं, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों इफेक्टेड। ठीक है, तो पहले आप मुझे ये बताइए कि इज इट ऑटोसोमल थी सेक्स में। कल मैंने आपको कुछ बताया था उसके हिसाब से बताओ। अगर हम सेक्स क्रोमोसोमल कहेंगे, सेक्स लिंक्ड कहेंगे, तो या तो मेल ज्यादा डिजीज होंगे या फीमेल ज्यादा। यहाँ पे दोनों हो रहे हैं इक्वल नंबर में, तकरीबन तकरीबन। सो इट इज ऑटोसोमल। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जनरेशन में सो रही है, यहाँ पे कोई डिजीज नहीं है। ये वाली जनरेशन भी मिस हो रही है, यहाँ पे कोई डिजीज नहीं है, बट आगे चल के डिजीज आ गया। तो अब ये बताइए रिसेसिव है कि डोमिनेंट है? मैम रिसेसिव। यस, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, बिल्कुल बात ठीक है। इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। लेट अस से द जीन कंट्रोलिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन ए है, देन रिसेसिव डिजीज्ड जीन स्मॉल ए है। तो आपने मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9
इनके जीनोटाइप्स, और इसके भी बता दो इनके जीनोटाइप्स आपने मुझे बताने हैं, जल्दी से करो। सेवंथ जो है वो हमने ये मान लिया कि वो ए एक है, ठीक। और एट्थ जो है, एट्थ मैंने बता ही दिया ए ए। नाइन्थ बताइए बेटा, यस कौन बताएगा भव्य? जोर से बोल, मुझे सुन नहीं रहा। हम कैपिटल है, स्मॉल है। नाइन्थ जो है बेटा, इट कैन बी एनीथिंग, जरूरी नहीं है। देखो ना, दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस है, तो जब हेट्रोजाइगस क्रॉस करते हैं, आपको पता है ए ए इंटू ए ए, तो रेशियो आती है ए ए टू ए ए ए ए। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि डिजीज है, डिजीज नहीं है, तो या ये, यस और नो? समझ में आई मेरी बात के नहीं? यस मैम। एवरीबडी जल्दी से बताओ सारे। यस मैम। यस मैम। समझ आ रही है? यस यस। सो इट इज होमोजाइगस की हेटरोजाइगस। और टेंथ, हाँ जी नंबर टेंथ, ये वाला यस नमन, डिजीज का क्या आएगा? डिजीज का मैं अंक आप बताइए। मैम स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है। इसमें से कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप बोलो। चलिए आगे हम करें, नेक्स्ट हम करते हैं। हाँ जी बेटा, अब ये मुझे आपने बताना है। पहली बात तो यू हैव टू टेल मी कि फर्स्ट जो है ये ऑटोसोमल है कि यू कैन से सेक्स लिंक्ड है। उसके बाद सेकंड है डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, ठीक है। फिर तीसरा मैं बाद में बताती, पहले आप ये बताइए। यस हाँ जी, ये कौन बता रहा है मुझे? जल्दी से मैसेज करो फटाफट से कि ऑटोसोमल की सेक्स लिंक्ड, ऐसे नहीं बताना, मैसेज करो जल्दी से। अर्नब आपको मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ, जो चार मैंने बताए थे, मैंने ऊपर क्यों ऑटोसोमल है, क्योंकि मेल्स एंड फीमेल आर इक्वली। शिवांशी नहीं बेटा, ऑटोसोमल नहीं है ये, मेल एंड फीमेल्स आर
एब्सोल्यूट अप्रोक्सीमेटली इक्वली अफेक्टेड. यहाँ पे जो ट्रेट है यहाँ पे मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल, तो इट इज सेक्स लिंक्ड. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, क्योंकि कुछ जनरेशन बीच में मिस हो रही है, दैट इज वाई कुछ जनरेशन में डिजीज नजर ही नहीं आ रहा. पेरेंट्स में डिजीज नहीं है, बच्चों में है, सो इट इज रिसेसिव. सो इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. सो आंसर इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. और लेट अस से हम बात कर लेते हैं, इट मे बी हीमोफीलिया. ठीक है, तो हम नॉर्मल फीमेल, कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल एंड डिजीज्ड मेल. ठीक है, एंड दिस इज हीमोफीलिया की जगह हम कलर ब्लाइंडनेस करें तो ज्यादा ठीक है. तो कलर ब्लाइंड फीमेल. तो अब मुझे आपने किस किस के जीनोटाइप्स बताने हैं. सो दिस इज वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, then 8, 9, 10, 11, 12, 13. इनके बनाओ जल्दी फटाफट से, आराम से. मेरा मतलब फटाफट तो करना है बट फिर भी सोच समझ के. तो अर्शप्रीत फर्स्ट क्या है? मैम कैपिटल एक्स और स्मॉल सी एंड वन. मतलब कैरियर है ना? यस मैम. सी एंड कैपिटल एक्स. अर्णव सेकंड क्या है जल्दी से? क्विक अर्णव. भव्य सेकंड. यस नो में जवाब दिया करो फटाफट से बेटा. अल्लाह मेरी बात सुनिए, कैपिटल ए स्मॉल ए वाले में नहीं करना है, ये एक्स वाई में बताना है कुछ. हाँ जी भव्य आप बताओ सेकंड. बेटा अगर ये एक्स सी वाई हो जाएगा तो क्या ये कलर ब्लाइंड मेल नहीं होगा? ये डिजीज नहीं होगा क्या? तो फिर क्या आएगा? मेल एक्स एक्स और एक्स क्या आएगा? ये मेल का क्या आएगा? मतलब मेल का तो इनसे एक्स वाई होगा. हाँ तो फिर क्लास में रहो, गुम ना हो. हरगुण थर्ड वन. मैम एक्स सी वाई. बिल्कुल ठीक है एक्स सी वाई, ये तो करने मुश्किल ही नहीं है. फोर्थ देखो कि यहाँ पे मेल है और आगे फीमेल नॉर्मल है, ये तो आपको दिख ही रहा है मेल. हाँ जी हरगुन के बाद आ जाता है बेटा. यस नंबर ना बताओ. एक्स वाई. इट इज सिंपल एक्स वाई. शिवांशी. मैम इज इट नॉर्मल की कैरियर? मैम नॉर्मल. बेटा आगे देखो लड़का जो है इनका वो डिजीज्ड है, तो ये नॉर्मल कैसे हो सकती है? ठीक है कि नहीं? तो ये कैरियर होगी इजंट इट? एक्स सी वाई. सिक्स
एक्सक्यूज मी मैम. हां जी मैम, फिफ्थ एक्स सी एक्स नहीं होना चाहिए. ओ सॉरी, आई एम सॉरी. एक्स सी एक्स, आई एम सॉरी. हां जी सिक्स सरगम. मैम एक्स वाई. इट इज एक्स वाई. सेवंथ अर्शप्रीत या मयंक, आप बोलो. मैम एक्स एक्स. इट इज एक्स एक्स. एट अर्नव. एट यहाँ पे देखो, ये फीमेल है अर्नव, यहाँ पे ध्यान से. दिस एट इज फीमेल और उसके बाद इसके दोनों लड़के जो है वो अफेक्टेड है, खुद इफेक्टेड नहीं है. इट इज थोड़ा सा आपने गड़बड़ किया बेटा, लड़कों का नहीं, एट फीमेल का बताना था. इट इज एक्स सी एक्स कैरियर है क्योंकि खुद तो नॉर्मल है, बट ये लड़कों को दे रही है इसलिए एक तो इसके पास एक्स डिफेक्टेड है. ठीक है. नाइन्थ अर्शप्रीत. मैम अफेक्टेड एक्स सी एक्स सी. बेटा नाइन मेल है, एक्स सी वाई. सॉरी मैम. है ना. टेंथ हरगुन. मैम एक्स सी वाई. बिल्कुल ठीक है. भव्य इलेवन. देख लो यहाँ पे, देखो इलेवंथ क्या है, मेल अफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड है, सॉरी फीमेल अनअफेक्टेड है. इनका लड़का अफेक्टेड है बट सॉरी लड़की अफेक्टेड है, लड़का नॉर्मल है. अब बताइए मुझे जल्दी से भव्य, इलेवंथ फीमेल का बताना है नॉर्मल है कि कैरियर है. अगर एक्स सी होता तो फिर हम ऐसे बनाते, ऐसे तो हमने बनाया ना. नॉर्मल फिनोटाइप अर्नब आप बताइए इलेवंथ का कि नॉर्मल फिनोटाइप तो नॉर्मल है बट वैसे आप मुझे बताइए ये है कि ये है. यस अर्नब जल्दी से इलेवंथ. नहीं बेटा देखो इलेवंथ, अगर देखो डॉटर कब अफेक्टेड होगी, डॉटर ये जो ट्वेल्थ है ये है एक्स सी एक्स सी. ये एक एक्स कहाँ से आया, फादर से आया, तो एक तो मदर से भी तो आएगा. ये वाला और ये वाला आया तो ये डॉटर बने, और इधर से सन कैसे बना, ये वाई और ये एक्स, तो ये नॉर्मल बना. Is it right? So, 11th जो है वो है एक्स सी एक्स, 12th एक्स सी, 13th एक्स वाई. एक बार 5 मिनट जो है लगाओ इस पेडिग्री पे, दोनों पेडिग्री देखो और फिर देखो कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं. So, first is this. सेकेंड इज दिस. फर्स्ट क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है. उसके बाद हम थर्ड आ जाए. यहाँ पे देखिए तो जो ये फोर्थ है, थर्ड जो है वो नॉर्मल है, इसका मतलब थर्ड ए ए ही होगा. फोर्थ हमने देखना है कि होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस. अगेन अगर होमोजाइगस होता तो सारे बच्चे डिजीज होते, पर यहाँ पे एक डिजीज है बाकी नॉर्मल है, इसलिए फोर्थ भी हेट्रोजाइगस ही होगा. जो नॉर्मल है वो तो आप ये आंख मीच के ये लिख दो. सेवंथ डिजीज देखने है कि जो डिजीज है वो होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस. यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों बच्चे इफेक्टेड है, इसका मतलब ये क्या है, ये होमोजाइगस है. Then, eighth जो है वो नॉर्मल है. नेक्स्ट
नाइन्थ इट इज, क्योंकि एट्थ नॉर्मल है तो ये हेट्रोजाइगस होगा, टेंथ भी हेट्रोजाइगस होगा, इलेवेंथ क्योंकि उधर से मदर जो थी वो नॉर्मल थी तो हेट्रोजाइगस, और जो ट्वेल्थ है इट इज नॉर्मल. सो एक मिनट बेटा, एक मिनट, हम सेवंथ जो है, आई एम सॉरी, चाहे दोनों बच्चे इफेक्टेड है बट यहाँ पे जो सेवंथ ये आ रहा है ये तो एक ही पेरेंट्स है ना, कैरियर्स तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो सेवंथ जो है सेवंथ भी हेट्रोजाइगस, पेरेंट्स भी तो देखेंगे ना कि सेवंथ के जो पेरेंट्स है वो कैसे है, एक होमोजाइगस है एक नॉर्मल है, या एक हेट्रोजाइगस है सॉरी एक नॉर्मल है, तो इसके अगर डिजीज बच्चे होंगे वो यही होंगे, तो सेवंथ भी हेट्रोजाइगस. मैम सेवंथ कैपिटल ए नहीं होना चाहिए? नहीं बेटा देखो ना, कैपिटल ए इसके पेरेंट्स देखो ना, इसके पेरेंट्स ये है, और हमने इसके वन और टू पेरेंट्स कौन से लिए थे, ये वाले लिए थे, तो ये कैपिटल ए तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, बाय चांस इसके दोनों बच्चे डिजीज हो गए, दैट इज ए सेपरेट इशू. ओके यस मैम. सबको क्लियर है कि नहीं? यस मैम. अब सेकंड आ जाइए, सेकंड जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहली जनरेशन ही मिस्ड है, तो पहली बात तो ये रिसेसिव है, और दूसरी कि पहली जनरेशन में है ही नहीं, और मतलब रिसेसिव है, और दूसरा मेल और फीमेल दोनों में है, तो इट इज ऑटोसोमल. सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. सेकेंड वाला ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. अब हमने मैम जब चार से ज्यादा हो मतलब मिस है कोई? हाँ, चलिए जी, तो अब आपको जैसे दिख ही रहा है कि यहाँ पे इनके बच्चे अफेक्टेड है, खुद नहीं है, ऑटोसोमल है, तो वन भी ये और टू भी ये, थ्री जो है अफेक्टेड है, तो पहले हम देख ले कौन कौन से अफेक्टेड है उनका तो करें. तो ये हम करेंगे अब जो है फोर्थ एंड फिफ्थ. अब आप ये देख रहे हो इनका एक बच्चा अफेक्टेड है, इसका मतलब फोर्थ एंड फिफ्थ क्या है, हेट्रोजाइगस है. अभी तो सिक्स्थ में स्मॉल ए है, देन सेवंथ आप ये देख रहे हो कि इनके दो बच्चे अफेक्टेड है, एक से मतलब एक जीन यहां से आएगी तो एक यहां से भी, तो इसका मतलब सेवंथ भी क्या है, हेट्रोजाइगस. टेंथ जो है ये कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि टेंथ के आगे हमें बच्चे नहीं दिखते राइट. उसके बाद थर्टीन ये अफेक्टेड है, ये इसका हमें पता नहीं है क्योंकि आगे दोनों बच्चे नॉर्मल है, तो ट्वेल्थ भी जो है इट कैन बी, तो हम ये मान के, क्योंकि दोनों बच्चे नॉर्मल है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये होगा, और थर्टींथ जो है थर्टींथ इज कैपिटल ए स्मॉल. उसके बाद फोर्टींथ एंड फिफ्टींथ इनके दोनों बच्चे अफेक्टेड है, इस कारण ये दोनों क्या होंगे, हेट्रोजाइगस.
अब आप ये देखो, समझो, कोई चीज नहीं समझ में आई, पहले खुद अपनी पूरी कोशिश करो समझने की, और अगर नहीं समझ में आई तो फिर मेरे से पूछो।